यूपी सिटी न्यूज। अफगानिस्तान के अंदर तालिबान ने काबुल पर कब्जा कर लिया है। देश के अलग अलग हिस्सों से हृदय को झकझोर देने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। इन सभी खबरों के बीच जिस एक जगह ने दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है वो है पंजशीर। पंजशीर घाटी में ऐसा क्या है कि वहां आज तक तालिबान कब्जा नहीं जमा पाया। यही नहीं, रूस भी इस क्षेत्र को कभी जीत नहीं पाया। 3610 किलोमीटर की इस घाटी में ऐसा क्या खास है कि दुश्मन यहाँ मात खा जाते हैं। आइए जानते हैं पंजशीर के बारे में कुछ दिलचस्प बातें। पंजशीर को पंजशेर भी कहते हैं, जिसका मतलब होता है पांच शेरों की घाटी। काबुल के नॉर्थ में 150 किलोमीटर की दूरी पर इस घाटी के बीचों बीच एक नदी बहती है जिसको कहते हैं पंजशीर। हिंदू कुश का पहाड़ इससे बेहद पास है। पंजशीर में एक बेहद महत्वपूर्ण हाईवे भी है। इसी से हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला के दो पास का रास्ता भी निकलता है। खवाक पास से नॉर्थ के मैदानों तक जाया जा सकता है और अंजुमन पास से बादाखशन से होकर गुजरा जा सकता है। पंजशीर घाटी में जिस एक जाति के लोगों की बहुतायत है उसका नाम है ताजिक। सालंग में ये लोग बहुमत की संख्या में हैं। हकीकत में ताजिक अफगानिस्तान के दूसरे सबसे बड़े एथनिक कबीले हैं। देश की आबादी में इनका हिस्सा 25-30% के बीच बताया जाता है। पंजशीर ही वह जगह है जहां हजारा समुदाय के लोग भी निवास करते हैं। बता दें कि इसी समुदाय को चंगेज खान का वंशज भी माना जाता है। इसके अलावा पंजशीर में नूरिस्तानी, पशई जैसे समुदायों का भी ठिकाना है। इस घाटी में अपार संभावनाएं हैं। पंजशीर घाटी में पन्ना खनन का सबसे बड़ा हब तैयार हो सकता है। मध्यकाल में पंजशीर चांदी की खदानों के लिए बहुत मशहूर था। 1985 तक वहां 190 कैरेट तक के क्रिस्टल मिले हैं। ऐसा कहा जाता है कि यहां जो क्रिस्टल पाए गए हैं उनकी गुणवत्ता कोलंबिया की मूजो खदानों में मिले सबसे बेहतरीन क्रिस्टल्स में से एक है। अफगानिस्तान में अमेरिका की कोशिशों ने इस घाटी में खूब डेवलपमेंट किया है। अब आपको यहाँ पर आधुनिक सड़कें दिखाई देती हैं। इसके अलावा रेडियो टावर भी लग चुका है। इस रेडियो टावर की वजह से ही इस घाटी के लोग काबुल से चलने वाले रेडियो चैनल को सुन पाते हैं। बता दें यहाँ न पानी की सप्लाई होती है न बिजली की। पंजशीर पर कब्जे की हर कोशिश नाकाम रही, चाहे वह अफगानिस्तान के तालिबान की रही हो या रूस की। अफगानिस्तान पर जब अमेरिकी विमानों ने बमबारी की उस वक्त पंजशीर उससे अछूता रहा। इस घाटी में न तो कोई खूनी संघर्ष हुआ न कोई आपदा आई। इस वजह से अमेरिकी मानवीयता कार्यक्रमों के तहत इसे मदद भी नहीं मिल सकी। 7 जिलों वाले प्रांत के 512 गांवों में आज भी पंजशीर में बिजली और पानी की सप्लाई नहीं होती है। रोज कुछ घंटे लोग जनरेटर चलाकर काम करते हैं। पंजशीर की धरती के नीचे पन्ना का एक ऐसा भंडार है जो आज भी दुनिया से अछूता है। अगर यहाँ खनन का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होता है तो यह क्षेत्र काफी तेजी से डेवलप हो सकता है। तालिबान के खिलाफ पंजशीर से फिर उठेगी आवाज। आखिर क्यों इतना ताकतवर है पंजशीर? नॉर्दर्न अलायंस का जन्म ही तब हुआ था जब तालिबान ने 1996 में काबुल पर कब्जा कर लिया था। इसका पूरा नाम यूनाइटेड इस्लामिक फ्रंट ऑफ द सॉल्वेशन ऑफ अफगानिस्तान है। इस यूनाइटेड फ्रंट के बीच अफगानिस्तान के कई बड़े नाम थे, जिसमें मसूद के अलावा राष्ट्रपति बुहानुद्दीन रब्बानी भी शामिल थे। शुरुआत में इसमें केवल ताजिक ही थे, मगर 21वीं सदी की शुरुआत होते होते दूसरे नस्लीय कबीले के लोग भी इसका हिस्सा बनते चले गए। तालिबान के खिलाफ लड़ाई में उत्तरी अलायंस को भारत के अलावा ईरान, रूस, तुर्की, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान का साथ मिला है। तालिबान को पाकिस्तान और उसकी खुफिया एजेंसी ISI ने खूब मदद की है। अमेरिका ने जब 9/11 के हमले के बाद अफगानिस्तान पर अटैक किया तब उसने नॉर्दर्न अलायंस की ही मदद ली थी। जब तालिबान को बाहर कर दिया गया तब नॉर्दर्न अलायंस भंग हो गया और पार्टियों ने अंतरिम अफगान प्रशासन का समर्थन किया। पंजशीर के लोगों में अपनी जमीन बचाने का जज्बा कूट कूट कर भरा है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में स्थानीय निवासी कहते हैं, हम मुकाबला करेंगे, डरेंगे नहीं, सरेंडर नहीं करेंगे, हम कभी घुटने नहीं टेकेंगे। पंजशीर के लोग कभी आतंकवादियों के आगे सरेंडर नहीं करेंगे। ऐसा होने से पहले हम मौत को गले लगा लेंगे। बता दें कि अफगानिस्तान के इसी इलाके से ताल्लुक रखते हैं पूर्व उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह, और इन्होंने ललकारा है तालिबान। अमरुल्लाह सालेह ने खुद को अफगानिस्तान का कार्यवाहक राष्ट्रपति घोषित कर दिया है और तालिबान के खिलाफ
आखिरी सांस तक लड़ने की हुंकार भी भर दी है। बताया जा रहा है कि अमरुल्ला साले अभी भी अफगानिस्तान के अंदर ही हैं और वह तालिबान के आगे सरेंडर न करने की बात कर चुके हैं। तालिबान तो छोड़िए, इतिहास यहाँ तक कहता है कि इस घाटी में 1970 के दशक में सोवियत संघ भी अपना कब्जा नहीं जमा पाया। इसकी वजह क्या है? हाथों हाथ इसके पीछे के कारण को समझना भी जरूरी है। कहा जाता है कि इस सब के पीछे यहाँ की भौगोलिक बनावट है। ऐसा कहा जाता है कि पंजशीर घाटी की भौगोलिक बनावट ऐसी है जहाँ कोई भी सेना घुसने की हिम्मत नहीं जुटा पाती। यह इलाका चारों तरफ से ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से घिरा हुआ है। सिर्फ इस इलाके के बीच में मैदानी भाग है और यहाँ भी ऐसी भूल भुलैया है जिसे समझना हर किसी के बस की बात नहीं। पंजशीर घाटी है कहाँ पर? पंजशीर उत्तर मध्य अफगानिस्तान में एक घाटी है। यह राष्ट्रीय राजधानी काबुल से 150 किलोमीटर नॉर्थ में हिंदू कुश पर्वतों के नज़दीक है। बताया जाता है कि इसकी आबादी 1,00,000 से ज़्यादा है। यह नॉर्दर्न अलायंस के पूर्व कमांडर अहमद शाह मसूद का गढ़ है। अहमद शाह मसूद ही वो शख्स हैं जिसे शेर पंजशीर कहा जाता है। पंजशीर पर दी गई हमारी ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। ऐसे ही दिलचस्प और नायाब वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन पर बटन दबाएं। उत्तर प्रदेश की हर बड़ी खबर पाने के लिए डाउनलोड करें यूपी सिटी न्यूज के एप्लीकेशन को, अब प्ले स्टोर पर भी उपलब्ध। यूपी सिटी न्यूज, जुड़िए उत्तर प्रदेश से।